जो डायबिटिक होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कौन सा ड्रिंक लें और कौन सा ड्रिंक ना लें, क्योंकि मार्केट में जो 99% ड्रिंक्स होते हैं, चाहे वो जूसेस हो, सोडाज हो या फिर मिल्क बेवरेजेस हो, सब में चीनी भरा हुआ होता है जो डायबिटिक के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं या हार्ट रिलेटेड इशू है उनको, उनके लिए भी वो सारे प्रोडक्ट सूटेबल नहीं होते हैं। साथ ही साथ उन सारे प्रोडक्ट में इतने सारे केमिकल्स होते हैं, फूड डाई होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इस वजह से उन प्रोडक्ट को हम छोटे बच्चों को देने के लिए, प्रेग्नेंट लेडी या जो स्तनपान करा रही हैं वैसी महिलाओं को देने के लिए भी मना करते हैं। तो यहाँ पे एक गुड न्यूज है जिन लोगों को ऐसे चीजें पीने से मना होता है उनके लिए, आप प्लेन सोडा से अपना फ्लेवर खुद बना सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जो प्लेन सोडा होता है 100% सेफ होता है डायबिटिक के लिए। इनफैक्ट अगर डायबिटिक चाहे तो इसको अपना फ्लेवर डाल करके, स्टीविया इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल करके कोई भी बेवरेज बना सकते हैं। जो ये प्लेन कार्बोनेटेड वाटर होता है ये टोटली सेफ होता है, तो जो लैक्टेटिंग वुमेन है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी इसमें लेमन सोडा बना कर आराम से पी सकती है। जैसा कि आपको मैंने पहले अपनी वीडियोस में ही बताया है कि जो कार्बोनेटेड वाटर होता है वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को और अच्छा कर देता है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप रेसिपीज देखना चाहते हैं तो YouTube पे आपको बहुत सारी रेसिपीज मिल जाएंगी जो प्लेन सोडा से बनाई गई है। सो मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आप घर में बनाना चाहते हैं और हेल्दी ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं। इनफैक्ट कार्बोनेटेड वाटर तो जो जिम गोअर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सोडा से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो प्लीज आप वो सारी रेसिपीज देखें। और अगर कोई बेस्ट रेसिपी अगर आपके पास है तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करके दे सकते हैं foodjasus.mera.link पे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन जरूर दबाए, क्योंकि ऐसे ही कुछ मिथ बस्टिंग फैक्ट्स मैं अपने YouTube चैनल फूड जासूस पे लेके आती रहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड ऑन फूड जासूस।